नमस्ते, मैं सांभवी हूँ और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेडी और फेरी की कहानी। ये हमारी श्रृंखला की 15वीं किताब है। इस कहानी की लेखिका जूलिया डोनाल्डसन है और कहानी का चित्रण कैरेन जॉर्ज ने किया है। इसका प्रकाशन मैकमिलन चिल्ड्रंस बुक ने किया है। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के फ्रेडी के साथ, जो एक फंसी हुई फेरी की मदद करता है। फेरी की मदद करने के बाद फ्रेडी उससे कुछ इच्छाएं पूरी करने को कहता है। फेरी उसकी इच्छाएं पूरी करने से पहले कहती है कि वह बहुत अच्छे से सुन नहीं सकती। कहानी आगे बढ़ती है तो हम ये देखते हैं कि अगर फ्रेडी को अपनी बात स्पष्ट तरीके से कहनी है तो उसे ये तीन नियमों का पालन करना होगा। पहला, कि उसे कहते समय बुदबुदाना नहीं है। दूसरा, उसे अपना सर पीछे करके नहीं बोलना है। और तीसरा, बोलने से पहले उसे अपना मुंह नहीं ढकना है ताकि फेरी उसके होंठ पड़ पाए। आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जब दो लोगों के बीच बातचीत हो रही होती है तो दोनों लोगों को मिलजुल कर प्रयत्न करना चाहिए एक दूसरे की बात समझने के लिए। इस किताब को बच्चों के साथ जरूर पढ़ें। गिनीज प्लैनेट एक ऐसी दुनिया बना रहा है जिसमें भिन्नता एक आम बात है और इसमें कोई बुराई नहीं है। और जानिए हमारी वेबसाइट guinnessplanet.com पर। एम्पैथी, डाइवर्सिटी और गिनी से जुड़ी चीज़ें देखिए हमारे ऑनलाइन शॉप पर।